बीजेपी के करीब 10 साल के राज से त्रस्त है। कितनी भारी वोटों से आप याद करो कि हरियाणा ने बीजेपी को जिताया और देश भर में बीजेपी आई, लेकिन जमीन पर आज आम आदमी जितना बेसहाय है शायद ही कभी किसी सरकार के अंदर हुआ हो। शासन नाम की कोई चीज नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ देश को विभाजित करते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं और यही इनकी राजनीति है। चाहे हमारे नौजवान भाई बहन हो, सीईटी अग्निवीर से भद्दा मजाक हमारे नौजवानों के साथ नहीं हो सकता। हमारे किसान कर्मचारी आज भी हम जब भाषण दे रहे हैं वो धरनों पे बैठे हुए, पहचान पत्र फैमिली आईडी तो मानिए एक नया तरीका निकाला है आप लोगों को जाने का। आपका जीवन और भी जिसको कहते हैं उलझ गया है। एक व्यक्ति परिवार से केवल अपना झोला उठाए ऑफिस में घूमता रहता है और उसके तहत कितना भ्रष्टाचार पैदा हुआ है। जब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार जीरो हमने बना दिया, केवल और केवल जुमले की सरकार है ये। इस सरकार को दोनों ऊपर और नीचे अब समय आ गया है क्रांति का, अब समय आ गया है भिवानी को, 36 बिरादरियों को इकट्ठा होना और भिवानी दादरी जो जिले है, जिस प्रकार से चौधरी बंसी लाला चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के टाइम पर 36 बिरादरी एक होकर भिवानी के बारे में सोचती थी, दादरी के बारे में सोचती थी, उस तरीके से आप लोगों को सोचना है। देखा है कि क्या हाल हो रहा है भिवानी दादरी में, तमाम गंदगी का ढेर लगा हुआ है, पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं, सीवरेज और पीने के पानी की मिक्सिंग हो रही है। मेरे टाइम पर आप याद कीजिए, मैंने भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल करवाया था, चौधरी बंसी लाल का सपना साकार किया था, मगर इस बीजेपी ने उस तमाम चीज पर पानी फेर दिया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो सिर्फ हवा की बात रह गई, मेडिकल कॉलेज के नाम पर एक खराब सी बिल्डिंग खड़ी हुई है। क्या यही है व्यवस्था भिवानी के लिए, दादरी के लिए? क्या यही है मान सम्मान भिवानी का? क्या यही है मान सम्मान मेरे बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, भाइयों का? क्या हम हरियाणा का हिस्सा नहीं है, देश का हिस्सा नहीं? अपना हक मांगिए, अपना हक मांगिए, खड़े होइए और आगे की तैयारी करिए। मैं आपका आने वाला समय मालिक की दया से बहुत काम करूंगी और जितने भी यहाँ पे भिवानी के काम है हम सब मिलकर करेंगे। आज मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, रेणु बालाजी एमएलए जी का, माननीय शमशेर भोगी जी एमएलए साहब, प्रदीप चौधरी जी एमएलए साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेश गुप्ता जी, रामकिशन गुजर वर्किंग प्रेसिडेंट जी, एक्स एमएलए जितने की, और सुदीप सुरजेवाला जी, रणदीप जी के भाई सुभाष बत्रा जी, कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब और सम्मानित मंच जितने भी लोग हैं, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।
पीडब्ल्यूसी मेंबर, इतने मेरे ख्याल में पीते तो किसी के नहीं होंगे भाई। हरियाणा के अंदर जैसे शैलजा जी जीते हैं जोरदार तालियों के साथ, स्वागत करो शैलजा जी का। हमारे बीच में आई है हमारा हौसला अफजाई करने के लिए, और जो बेड़ा हमने उठाया है मैंने, शैलजा जी ने और रणदीप ने, ये पूरे हरियाणा के अंदर ये आवाज है कि जनता की जो आवाज है, जनता के हित की जो बात है, वो हित जो है वो पूरा हम करेंगे। आज यहाँ पर मंच पर सभी सम्मानित नेतागण हमारे बीच में, हमारे पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा जी भी आए हुए हैं, हमारे पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हैं, साथ में हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष गुर्जर साहब और सुरेश गुप्ता जी, और रणदीप जी के भाई सुदीप जी, और हमारी बहन मेरे साथ एमएलए, बहुत जबरदस्त जो काम विधानसभा में करती है बहन रेणु जी, और मेरे भाई और मेरे साथ एमएलए भोगी साहब, सारे के सारे यहाँ मंच पर हैं। और सारा जो है, माफ कीजिएगा सबके नाम ना भी मैं ले पाऊं, गर्मी का समय है, तो आप लोग क्या चाहते हो कि हम यहाँ बोले और साथ चलोगे या वहां बोले? वही बोले तो शैलजा जी को सुनने, मेरी माताएं बहने जो इतनी भारी तादाद में यहाँ आई है, सारी चलेंगी, सारी चलोगी? देखो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, यहाँ पर बदलाव का समय है, और ये बदलाव का आगाज हमारा भिवानी जिला करेगा। करोगे या नहीं करोगे बताओ? पूरा का पूरा हमारा जो है भिवानी दादरी, और इसके बाद मेहंदरगढ़ पहुंचेंगे, उसके बाद बाकी अन्य जिलों के अंदर होगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, एक रागणी के पहले मेरे घर में हमें चलना चाहिए, और रागणी सुनना चाहते हो क्या? नहीं सुनना, नहीं रहने दो भाई, जो जनता कहेगी हम तो वो करेंगे। जनता सारी आवाज सिर माथे में भाई, पर एक बात अब तुम्हारे को मेरी सौगंध है, सारे जितने आए हो बहन मान लो, बड़ी माँ की रूप में मान लो, आज भिवानी को रंग दो, और हमारे साथ डीसी ऑफिस तक चलो, मैं श्रुति शैलजा जी सारे नेता चलेंगे, और भाई जो नहीं चला मेरा भाग लेगा भाई, ये तो खाली मुंह दिखाड़ियां है। एक स्वागत की पैसी आपका, मुंह दिखाड़ियां तो नहीं चाहिए ना, स्वागत की पैसी करने चाहिए। हरी आवाज कर, हरी आवाज खातर आए यहाँ पे, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी का नाश कर दिया हमारा, हमारे ऊपर